Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे. और फाइनली मुझ मसरूफ बंदी को टाइम मिल ही गया व्लॉग बनाने का. एक्चुअली अभी ना हम लोग बाहर जा रहे थे, मम्मा ने बोला चलो चलो बाहर नहीं, हर वक्त घर बैठी रहती हो. और वैसे भी मुझे कोई काम नहीं होता, तो फिर अभी मैं सोचा चलो चल लेती हूँ बाहर. और ना ऐसे अभी जा रहे हैं क्योंकि आप ही की एक फ्रेंड के पास जाना था, इन्होंने बस ऐसे ही प्लान बना लिया बैठे बैठे, शाम को प्लान बनाया था. और फिर ये सोचती रही जाऊँ या नहीं जाऊँ. फिर मैंने कहा चलो मुझे भी ले जाओ. अच्छा फिर मम्मा का भी प्लान बन गया, फिर हम तीनों जा रही हैं और फिर आप ही के फ्रेंड से मिलने वगैरह. खैर अभी हम लोग जाने लगे हैं. और ना बस मेरी वजह से हमेशा की तरह इनको लेट हो रही थी, लेकिन यार मेरी वजह से नहीं, इन्होंने मुझे लेट बताते हैं ये लोग और फिर कहते हैं कि चलो जल्दी करो. अब जल्दी कैसे कर सकते हैं बंदा, उतना ही टाइम लगना होता है जितना लगना होता है. खैर अभी ना बस बाहर जाने लगे हैं, उधर से देखेंगे क्या होता है, मतलब क्या करते हैं लोग. वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो घर रह के भी क्या ही करना, मैंने बोर ही होना है तो चल लेती हूँ. और ना अभी बस मम्मा भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, लेकिन अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, इस वजह से वो दोनों बाहर बैठी हुई हैं और मेरा वेट कर रही हैं. अभी आप आई थी व्लॉग वगैरह बनाने और निशा जल्दी कर लगी कह के चली गई, खुद भी अभी अभी ये रेडी हुई थी, लेकिन मुझे वो फौरन फौरन करवा दिया फील के दिन, तुम भी लेट करवा रही हो. खैर अभी चलते हैं और देखते हैं कैसा दिन गुजरता है. कैसा दिन नहीं, अभी एक्चुअली 9 बज रहे हैं तकरीबन, और फिर आते आते 12 बज जानी है हमें. और फिर अभी चलते हैं. अभी ये देखिए अभी इधर खड़ी हैं, मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ. ये आ भी गई है, ये वाली शर्ट पहनी है पता, इस तरह कलर, लेकिन उसका कलर चेंज है, लेकिन वो कहेगा देखना सेम है. हाँ सेम कह रहा है वो, नहीं वो उसको कह रहा है कि ये मेरी शर्ट येलो है, ये जो तुम्हारे येलो है, पंखे का कलर भी येलो है. ये हालांकि इतना डिफरेंस हो रहा है, इसको पता क्या कह रहा था, येलो है ये वाला कलर, येलो है तो शर्ट को भी तो येलो ही कह रहा है. फिर रिकॉर्ड करके लेके आई हूँ, आओ तो सही उससे मिलवाते दिखाते भी उधर. अब ये देखिए गाइस, इसने कलर पहना हुआ कहीं से, ये आपको येलो लग रहा है, अस्तगफिरुल्लाह ये येलो नहीं है, येलो कलर है गाइस, ये देखो अब ये ग्रीन है, ये पैरेट कलर है, कह रहे ये येलो कलर है, ये भी येलो है. अच्छा और दीवारों के रंग भी येलो ही है, पंखे के दरमियान भी वो, चलो वो एक लाइन मार. अच्छा और दरवाजों का कलर भी येलो है, दरवाजों का कलर भी येलो है, और ये इस शर्ट का भी येलो है. वाह पूरा पूरा है, जो मिलते जुलते है ना येलो से, आगे पीछे ये थोड़ा मिलता भी नहीं है, ये येलो से तो यहाँ से मिलता है, मेरे हिसाब से मिलता है ना, इसके हिसाब से हर कलर मिलता है. सो गाइस अभी हम लोग इधर पहुंच गए, और मैं आपको दिखाने लगी थी इतना प्यारा चांद लग रहा है, वो चांद क्या की आ गई है, सही बात है, चांद क्या की आ गई है, तार पाकिस्तान तार आ गई तो इतना प्यारा चांद लग रहा है ना. वैसे अभी हम इधर आ गए हैं, आप फ्रेंड भी इधर ही आएंगे, सो फिर इधर हम खाना वगैरह खाएंगे, खाना खाने आए थे वैसे. असल जब आते हैं ना मम्मा को भी साथ ले लिया, क्योंकि हम अकेले थे, हमने क्या ही करना था, क्योंकि मैं अकेली नहीं कहीं पर जा सकती, मुझे इसको साथ ले जाना होता है. और अगर ये खुद भी अकेली नहीं जा सकती है, फिर या फिर हम मम्मा को ले जाते हैं साथ, क्योंकि मैंने मम्मा को लेके जाना, इस वजह से हम तीनों ही आ जाते हैं जहाँ पे भी जाना हो. देखिए गाइस हम जब भी इधर आके बैठते हैं ना, तो कोई ना कोई बेबी हमारे टेबल के पीछे होना ही होते हैं, पीछे से पीछे से आके ना बचाने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं ये इसको सोने को, ताकि हमें देखो हमें देखो अपनी तरह देखिए, अब पीटने पूछो दिल करे मैंने ऐसे ऐसे करूँ भाग जाएगी डर के. और खैर अभी ये देखिए आपको दिखाती हूँ, मैं इतनी अच्छी बहन हूँ कि मैंने अपनी बहन के लिए, इसके बाल सेट हो रहे हैं अभी, देखो मैंने इसको चेयर साफ करके दी थी पहले इधर बैठना था, ये अब ये पूरे पाकिस्तान का पूरे ऐसी बात ही है. अभी ना हमारा खाना वगैरह आज के, और मम्मा इधर बैठी हैं, और ये देखिए ये बेबी को, तो ये देखिए ये बेबी ने इसको ना पहले आके करते हैं, ये डर गई कसम से, इसके सर के ऊपर ये मुझे बातें कर रही थी ना, इसके सर के ऊपर आके वो फियर्स, तो ये डर गई और मुझे इतनी यार जैसे बोलते हैं छोटे छोटे बेबी अच्छे लगते हैं, क्यूट क्यूट. अभी खाना वगैरह हम लोग खा लेते हैं, और ये आप ही के फ्रेंड बैठे हैं, और मम्मा की काफ़ी बन रही है वैसे उनके साथ, मम्मा उनसे लगी हुई है, और हम तो आपस में लगे हुए हैं हमेशा की तरह, हमेशा की तरह ये होता है हमारा. तो गाइस अभी हम
खाना वगैरह खा लेते हैं और फिर चलते हैं घर। घर ही जाते हैं, लेकिन दस मिनट आइसक्रीम खाऊंगी। इधर की इधर ना स्टॉक पे आइसक्रीम है, बहुत मजे की होती है, पता नहीं आवाज़ जा रही होगी, अगर कुछ स्टॉक खा रहा है मैं आइसक्रीम बोल रही हूँ। मुझे कल केक खाने का मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था, इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती आपको। फिर इस वजह से आप ही ने मुझे बोला कि चलो तुम्हें ये ले लेती हूँ, तुम्हारा दिल कर रहा था। और फिर आइसक्रीम जब मैं इधर आऊँ, आइसक्रीम तो लाजमी खानी होती है, मैंने इस वजह से अभी उनको भेजा, खुद मैं केक खा रही हूँ। हाँ जी मम्मा, मीठे के ऊपर मीठा बिल्कुल तभी मोटी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती कितनी कैलोरीज वगैरह। अगर मैंने मीठा खाया उसके ऊपर से मैं आइसक्रीम बड़ी शौक से खाऊंगी। और मैंने ये भी कह मेरे दो स्कूप लेके आना, मीन्स के वो एक एक मिलता है ना, उससे मेरा कुछ नहीं बनेगा, और दो अलहदा अलहदा डलवा के लेके आना। लोग और लोग मम्मा पता क्या कहते हैं, नहीं मैंने इतना से मीठा खा लिया, नहीं बहुत मोटे हो जाएंगे। मैं इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकती। ये देखो ये मेरी पेस्ट्री चोर आके मेरी पेस्ट्री ले ली, इतनी सारी पड़ी हुई है अभी, और ये मेरी आइसक्रीम में छुपा लूँ इससे। वैसे ना एक बात है, ये जो स्ट्रीट फूड होता है ना, मज़े का होता है वैसे, जैसे ये आइसक्रीम। वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता है इस चीज़ों का, लेकिन इसका पता लाजमी इस वजह से मैं हमेशा खाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, अभी मैंने अपनी पेस्ट्री भी खा ली है, और इसने भी थोड़ी सी मेरी खा ली थी, चोरी चोरी नहीं। और अभी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, और मैं इस कदर मसरूफ हूँ ना, मैं इस वक्त में आपको बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वक्त निकाल रही हूँ। देखो है ना, मैं कितनी मसरूफ हो जाती हूँ ना खाने में, बहुत ज़्यादा है। दुनिया का कोई इतना बंदा मसरूफ नहीं हो सकता जितनी ये इस टाइम मसरूफ। सही बात है, कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि मैं अभी आइसक्रीम खा रही हूँ ना इस वजह से। और ये देखें सामने चाँद कितना प्यारा लग रहा है। गाइस अभी ना इन लोगों ने, आपकी की फ्रेंड ने शवारमा वगैरह इन लोगों ने खाना तो वो खा लिया, और ना मेरी बस आइसक्रीम थोड़ी सी रह गई है। और ये लोग कह रहे हैं कि चलो घर, इसलिए मैं रास्ते में खाऊंगी। वैसे मुझे सड़क पर चलते हुए खाना खाने का ना बड़ा ही मज़ा आता है। मैं इनको यही कहती हूँ, मैं मम्मा के साथ जब भी जाती थी ना, रास्ते से मैंने बर्गर लेना ना होता था, और फिर मैं सड़क पर चलते हुए खाती थी, बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आता है, लेकिन आता है मज़ा आता है खाना खाते हुए, वैसे भी बहुत मज़ा आता है। जी मम्मा, जब हम छोटे थे तो क्या? गाइस जब ये छोटे थे ना, इनका रिजल्ट जब आता था ना, रिजल्ट जब आता था ना, पैदल मैं जाती थी इनको लेने, और रास्ते में चीजें ले लेके देती थी। ये खाते आते थे घर में, इनको डील हुई होती थी मम्मा के साथ, इन तीनों को होता था कि आज मम्मा ने आने, हमने रास्ते में चीजें लेनी और खानी है सबसे ज्यादा। रिजल्ट मम्मा के हाथ में होते थे, और हम लोग इधर से मम्मा ये ले दे खुश जाते थे, किसी भी शॉप जो भी देख लिया, इतना मम्मा का खर्चा करवाते थे ना उस दिन तो। गाइस अभी हम लोग ना घर पहुंच चुके हैं, अभी बस मैं कपड़े वगैरह चेंज करूंगी और भी बस सो जाऊंगी। वैसे ना मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि सारी मैंने अपनी फेवरेट चीज़ें खाई है। सबसे ज़्यादा मज़ा पेस्ट्री खाने में आया था, उसके बाद आइसक्रीम खाने में आया था, और बस बाकी जब मैं खाना खा लेती हूँ ना, पिज्जा खाने में आया था, उसके बाद लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा मज़ा बताया ना, मज़ा तो सारी चीज़ें खाने में आते हैं। आखिर खाना जब खाते बंदा, तो फिर इंसान को अच्छा लगता है ना इस वजह से। अच्छा, अभी इस ब्लॉग को इधर एड करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।